दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे LIC के IPO के बारे में। भारत सरकार की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC जल्द ही बाजार में अपना IPO लेकर आने वाली है। लोगों को LIC के IPO का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि सरकार ने LIC पॉलिसी धारकों के लिए 10% का रिजर्व कोटा रखा है। मतलब पॉलिसी होल्डरों को आम निवेशकों के मुकाबले सस्ता शेयर मिलने वाला है। वर्तमान समय में LIC में करीब 28.9 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं और इसके पास 22.78 लाख एजेंट्स हैं और 2.9 लाख कर्मचारियों का विशाल नेटवर्क है। शेयर बाजार में भी LIC सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों में से एक है। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में निवेश को मंजूरी दी थी। माना यह जा रहा है कि पेटीएम IPO के बाद LIC कंपनी का IPO देश का सबसे बड़ा IPO होगा। इसके जरिए सरकार अपनी 10-20% तक की हिस्सेदारी बेचकर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, जिसके लिए 10 मर्चेंट बैंकर्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। PTI की खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया है कि गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, ICICI सिक्योरिटी, कोटक महिंद्रा कैपिटल, JM फाइनेंशियल, सिटी ग्रुप, नोमुरा होल्डिंग समेत 10 बैंकर्स के नाम इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक LIC अपने IPO से संबंधित सभी दस्तावेज SEBI के पास जल्द जमा करा सकती है, फिर SEBI के द्वारा महीने भर के अंदर इसे मंजूरी मिलना संभव है। बहरहाल LIC ने अपनी ओर से IPO से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर आप भी LIC में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द कुछ कामों को निपटा लेना चाहिए। जैसे कि LIC ने भी अपने पॉलिसी होल्डरों को सूचित करते हुए यह कहा है कि अपना पैन कार्ड पॉलिसी के साथ जल्द से जल्द अपडेट करवा लें, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट भी खुलवा लें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप नया डीमैट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाके आप ऑनलाइन अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। क्योंकि बिना डीमैट के आप किसी भी प्रकार का कोई भी IPO बाई या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।